हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है तो अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 13 पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, बस दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन द गिवन डायग्राम, ये हमें डायग्राम कुछ गिवन है। एसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मेरी बात मानो तो इसमें जो है पूरा का पूरा राज छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का है, इसमें राज छुपा हुआ है, हमें तो कुछ नहीं दिखा, हमें तो बस डायमीटर दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं राज दिखाता हूं आपको कैसे ये छुपा हुआ है। एंड एंगल ADB, ये एंगल दिया हुआ कितना 35। तो डिग्री मेजर बताना है कितना एक्स इज, है ना। एक्स का जो वैल्यू है वो डिग्री मेजर में बताना। एक रेडियन मेजर भी होता है, मेजर भी होता है, रेडियन मेजर, तो उसमें हमें नहीं बताना, डिग्री मेजर में बताना है। हमने तो डिग्री ही पढ़ रखा है सर। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, टेंशन मत लो। देखो यहां पर क्या है, ये एंगल 35 है। यहां पर ध्यान दो, AB क्या है, कॉर्ड है। इस बात से आप सेटिस्फाई रखते हो या नहीं रखते हो? हाँ सर, ये तो ठीक है, AB कॉर्ड है। और सेम कॉर्ड पे, मेरी बात सुनोगे अच्छे तरीके से, अगर सेम कॉर्ड पे अगर दो एंगल ड्रॉ किया जाता है, अगर सेम कॉर्ड से दो ट्राइंगल अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो इसका जो बनने वाला एंगल यहां होता है वो इसके इक्वल होता है। एक बार फिर से, अगर सेम कॉर्ड से अगर हम लोग दो ट्राइंगल को ड्रॉ करें, अगर सेम कॉर्ड से हम लोग दो ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो उसका यहां बनने वाला एंगल इसके यहां बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, एंगल ADB जो होगा, एंगल ADB जो होगा वह इक्वल होगा किसके, एंगल ACB के, एंगल ACB के। और कितना होगा 35 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, दैट इज 35 डिग्री। ये 35 डिग्री हो गया, तो ये भी 35 डिग्री हो गया। लेकिन सर ये बताओ, हमें तो ये नहीं पूछा था ना, हमसे तो पूछा था एक्स क्या है, अब इसको निकाल कर क्या करोगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रायंगल अगर ABC में चले तो हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल हमें पता चल चुका है, किसी तरीके से अगर ये एंगल पता चल जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अरे गजब खतरनाक सर, क्या बात की हो। तो चलो भी निकाल दो, कैसे निकालते हैं, तो उसका राज जो मैं आपको बता रहा था वो यही छुपा हुआ है, क्योंकि AC जो है वो डायमीटर है। और अगर सेम कॉर्ड से अगर हम लोग डायमीटर ड्रॉ करें, अगर ये कॉर्ड के एक पॉइंट से अगर हम लोग डायमीटर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहां पे इसने सिंपली गिवन कर रखा है कि AC क्या है, डायमीटर है, तो यहां से अगर हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये पक्का 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। ये है सर्कल का थ्योरम, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें पता चल गया ये कितना है, 90 डिग्री है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल के, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 125, है ना, इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ये प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो सिंपली हम लोग माइनस कर देंगे, कितना होगा 5 और 70, दैट इज 55 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आया, 55 डिग्री। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके 14th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।